टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब क्या है? आपके पास नंबर ऑफ एटम कितने थे? एन नॉट, एन नॉट। टी टाइम के बाद कितने हो गए? एन। कितने समय के बाद एन हुए? स्मॉल टी। आपको स्मॉल टी कैलकुलेट करना है। तो ये मैथ्स वालों के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब इस इक्वेशन में से स्मॉल टी निकाल दो वो तो कर ही लेंगे। मेडिकल वालों के लिए है, मेडिकल वालों के लिए क्या करना पड़ेगा? एन बाई एन नॉट टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो ऐसा करने से माइनस लैम्डा टी नीचे आ गया, तो क्या बचा? लॉग ई टू द बेस ई, जो कि क्या होता है? वन। तो ये टर्म आ गई, और माइनस का प्लस कर लिया, और एन बाय एन नॉट को एन नॉट बाय एन लिख लिया। तो यहां से स्मॉल टी की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा इधर आ गया, आंसर आ गया। इस पर लिख लो नॉट फॉर एनसीईआरटी, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में सीधा आंसर आएगा, या हो सकता है कि किसी न्यूमेरिकल में मैं यूज कर दूं, सिर्फ फॉर्मूला आप कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कुछ करने वाला है भी नहीं वैसे तो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने टाइम ही तो निकाला है, तो इसके अंदर एन नॉट का मतलब इनिशियल नंबर ऑफ एटम है, एन का मतलब नंबर ऑफ एटम लेफ्ट है, और यहीं से अगर लैम्डा निकालना है तो टी नीचे आ जाएगा, लैम्डा इधर आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन को आप कर सकते हो।